दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस बार डेंगू अपना घातक रूप दिखा सकता है। ज्यादा बारिश और ज्यादा जल जमाव की वजह से खतरा और ज्यादा हो गया है। डेंगू का ये जो लार्वा तेजी से पनप रहा है, जुलाई में ही डेंगू के केसेस अब सामने आने लगे हैं। हालांकि आमतौर पर देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जाते थे, लेकिन इस बार डेंगू ने पहले ही दस्तक दे दी है। और इस बार भी चिंता वाली बात यह है कि डेंगू का खतरनाक स्ट्रेन तेजी से पांव पसार रहा है। ये स्ट्रेन डेंगू को तेजी से बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि राहत की बात भी है कि अभी स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं हुई है और जिस तरीके से रोकथाम के उपाय हो रहे हैं उसकी डिटेल भी आपके सामने होगी, क्योंकि उसी रोकथाम के उपाय के आधार पर लगता है कि इन स्ट्रेन के हालात को देखते हुए काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में इस बार डेंगू की स्थिति भयावह कैसे हो सकती है, पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर यह डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि इन स्ट्रेन के बारे में जान लीजिए। जहां दिल्ली में जांच के दौरान डेंगू के दो स्ट्रेन के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, और इसमें महत्वपूर्ण है डेंगू के चार अलग अलग स्ट्रेन का बारे में डिटेल, जिसमें यह साफ हो चुका है कि खतरा कैसे दो स्ट्रेन के आधार पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये दो स्ट्रेन काफी खतरनाक माने जा रहे हैं, जिसमें संक्रमण में हेमरोजिक फीवर सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, और प्लेटलेट्स कम होने की वजह से शरीर के अंदरूनी हिस्सों में जिस तरीके से ब्लीडिंग होती है उससे खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। मरीज शॉक सिंड्रोम की स्थिति में भी चले जाते हैं और यही वजह है कि हालत और ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो डरने वाली बात के साथ साथ ये सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इन्हीं स्ट्रेन्स को एनालाइज करते हुए स्थिति पर काबू पाने की भी कोशिश की जा रही है। उत्तर भारत में डेंगू के दो स्ट्रेन का मिलना हालांकि सामान्य जरूर माना जाता है, लेकिन कुछ हद तक इसके लक्षण चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं, इसीलिए ये ट्रीटेबल भी कहे जाते हैं। ऐसे में सतर्क आपको होना होगा और सतर्कता के साथ साथ अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करते हुए सही इलाज पर भी ध्यान देना होगा। लाउड एंड क्लियर में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर है, बने रहे हमारे साथ, जल्द वापस लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।